Глаза, вот он ее взял и принес домой.
и он положил, когда ее на колени матери Кертиды, вот, она у нее telling Harika Thai, yeah? Yeah. About last place. Yeah, yeah, yeah. So when Katha going here, they do translate. So when you're listening, you also, same time you can translate. ब्रह्मा पर्वत लेफ्ट साइड दिस इज ब्रह्मा पर्वत बंद मेरे से पूरा वीडियो आप देखते करते तो देखते रहिए वितरंगर वाली लाइव महाराज कथा अरे एक बजे उठते हैं तो एक घंटा उठे चला रहे एक घंटा जीदा जीदा महाराज देखा नहीं खाने खाली कथा कर लो आप बैठ के आराम से चलो और के प्रत्येक साल होता है सब भूल गया होगा बैठ जाओ आराम से इधर ही सत्यनाथ बाबू शूट अरे सबसे पहले चंद्र बाबा यहाँ में लगे नेटवर्क ठीक नहीं है बड़ी बड़ी आज बड़ा ये पड़ेगा सब तो सब
में खड़ा हो जाऊं। नंद दुलारे कन्हैया बंदी बारे ओ
करके कह रही हैं, कर मतलब हाथ। ब्रज गोपी कह रही कारी जोरे, ब्रज गोपी कह रही कारी जो, अब मानो बात हमारी कांदिया बंदी वारे, हर मानो बात हमारी कन्हैया बंदी वारे, यश मत नंद दुलारे कन्हैया।
काम किया और कथा भी सुनी, लेकिन आज एक ब्रजवासी के मुख से यहाँ की वास्तविक कथा सुनिए। आप पहले हमको दो मिनट शांति का दान देंगे, फिर आपको हम आपको यहाँ की वास्तविक लीला बताएंगे। वो राधा रानी की, देखो इसको बोलते हैं साकरी गली। कौन सी साकरी गली? कि प्रेम गली अति साकरी, जाने दो ना समाए। इसमें दो नहीं जाएंगे माता जी, एक मिनट, इसमें दो नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा। और देखिए ये साकरी गली बनी किससे है? दो पर्वतों से। इधर जो पर्वत है जिसमें महाराज जी बैठे हैं, ये विष्णु भगवान का पर्वत है, और जो पर्वत उधर है वो ब्रह्मा जी स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलके ठाकुर जी की नित्य लीला देखने के इस रूप को धारण किया पर्वत रूप को। तो कहा है कि राधा जी दही बेचने जाती है रोज, रास्ते बहुत हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन इसी रास्ते को चुना। क्यों चुना? कि चलो सखी वहाँ चालिए, और जहाँ बसे मिजराज और गोरस रेत धर मिले तो एक पंथ दो काज। ये सखियो आज ऐसे रास्ते चलते हैं जहाँ हमारा दही बिके या लुटे। तो गोपियाँ यहाँ से आ रही हैं, तो यहाँ पे महापुरुषों ने जो वर्णन किया है कि सांकरी गली बनी पर्वत की, सांकरी गली बनी पर्वत की, और दध ले चली कुमार की रखी। पहले बाबा बरसाने नहीं रहते थे, बरसाना बाबा का रहने का स्थान था ढवारा गांव, यहाँ से 6 किलोमीटर है। वहां से राधा जी अपनी सखियों के और गोपियों के साथ में दही दूध मक्खन बेचते मथुरा जाती हैं। रास्ते बहुत हैं, लेकिन उन्होंने इसी रास्ते को चुना। तो कहा कि सांकरी गली बनी पर्वत की, और दध ले चली कुमार की रथ की, और आगे गाय चरंग डर की। इधर से नंदगांव से ग्वाल बाल गौ चढ़ाते हुए भगवान कृष्ण के साथ में आ रहे हैं। उन्होंने देखिया गोपी आ रही हैं, तो आगे गाय चरंग डर के दीने सका सिखाए। ग्वाल बालों को सावधान कर दिया, भैया सावधान हो जाओ, मन क्यों मन गोपियां आ रही है। तो भगवान गोपियों से कह रहे, अरे ठाड़ी रौड़ी ग्वालिनी, अरे ठाड़ी रौड़ी ग्वालिनी, और जैजा मेरो दान, और जय दान के कारण मैं छोड़िया बैकुंठ सो धाम। हे गोपियों, मुझे मार्ग को दान देके जाओ ऐसे टैक्स नहीं, क्यों इसके लिए मैं बैकुंठ छोड़ के आया हूँ। गोपी कह रही, अरे नंद के तू तो बहुत बोलना सीख गो, ये मार्ग तो हमारे बाबा को है, विश्वान बाबा को मार्ग है, तेरा यहाँ पे कहा है, तू कह को दान मांगे। तो गोपियों से जब नहीं हुआ है, उनसे बातचीत वार्तालाप हो रही है। इधर ललिता विशाखा आज सखियां भगवान के ग्वाल बालों से सुंदर सुंदर संवाद हो रहे हैं। हे गोपियों, तुम इतनी सुंदर हो जितनी तुम्हारी मटकी सुंदर है, और तुम्हारा ये गोरस भी बहुत सुंदर है, इसको हमको नहीं दोगी? तो गोपी कह रही, क्या कह रही है? अरे दान दान कर राखो मोहन, दान दान कर राखो मोहन, नांदे दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पी वैसो टहल कर सब दिन की, तेरे बाप को दही दूध मक्खन है जो तेजा जी हो जाए, तो छाछ पीनी है तो हमारे घर में काम करना पड़ेगा। अच्छा सखी नहीं दोगी? मैं बिल्कुल नहीं देंगे लाला, एक कनक भी नहीं देंगे। तो भगवान कह रहे, अरे दहो महो लिए तुम जात कहां? हे गोपियो, फिर जा दही मक्खन को लेके कहां जा रही हो? तो गोपी आपस में बातचीत कर रही है, अरे ऐसे ही कहे जाने जय के बाबा को, ऐसे पूछो जाने जय के बाप को है। तो देख लियो भगवान ने कि गोपियां दही दूध मक्खन नहीं देंगी, तो भगवान ने ग्वाल बालों को इशारा कर दिया, जाओ भैया अपना काम करो। तो गोपो ने जो कहते ना मटकी की लटकी मार के फोड़ी या कंकर मार के फोड़ी, ना ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? कि भगवान जब ग्वाल बाल आए हैं, गोपियों के जो सिर पे दत्ती मटकियां हैं उनको उठा उठा के अपना भोग लगा लगा के इस सागरी गली में फोड़ना शुरू कर दिया। इस सागरी गली में क्या हो गई? दही दूध की कीच, और ग्वाल बाल एक दूसरे बार उठा उठा के उस दही को फेंकने लगे, उनके सब बस आभूषण सब दही में लोटपोट हो गए। इधर राधा जी यहाँ चुपचाप खड़ी हैं, भगवान कृष्ण कह रहे, हे प्रिय अब तो पिला दो, अब तो दे दो। तो राधा जी यहाँ पे कहा है कि सांकरी गली जा मैं हाँ करी ना ना करी, जा मैं हाँ करी ना ना करी, हाँ करे तो रीत जाए और ना करे तो पीट जाए, हाँ करे तो रीत जाए और ना करे तो पीट जाए। तो भगवान कृष्ण ने श्री राधा जी के जो सर से दबकी मटकी है उसको उठा के अपना भोग लगा के और आगे चिन्ह माँ फोड़ दिया है।
तो यहाँ पे गोपियों को लूट लिया भगवान ने, तो गोपियां लूट गई और भगवान ने दही दूध मक्खन लूट लिया। लेकिन गोपियों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज तो हम लूटे, किसी दिन इसको ही लूटेंगे। तो एक दिन ऐसा होता है भादो सुधी एकादशी, यहाँ में कहा है नंदगाम बरसानो दोनों एक करके मानो, इनमें कोई भेद नहीं है। क्यों राजा किसमें भेद नहीं है तो नंदगाम बरसाने में कोई भेद नहीं है। तो इधर से गोपियों ने प्लान बनाया कि आज लाला को सबक सिखाना है। तो कुछ गोपियां इन दोनों ने मीटिंग की, मन ऐसा हरी सखियो दो दो चार चार पेड़ के पीछे छुप जाइयो और हम दो दो चार यहां से निकलेंगी, उधर से जब ग्वाल बाल आएंगे ना जब देखेंगे उन्हें क्या करें। तो इधर से गोपियां आ रही है, इधर से ग्वाल बाल आ रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं राधा से, हे राधे अब तो आज तो हमको प्रेम से पिला दो, आज हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। मैं ठीक है लाला पिला तो देंगे, लेकिन आपके वस्त्र आभूषण जो है वो सब खराब हो जाएंगे दही दूध मक्खन में, पियोगे कैसे? मन कैसे पियेंगे? मन सखी कह रही है तोड़ ला पतगुआ तो देंगी दही, जाओ पत्ते तोड़ के लाओ आपको दही बनाया जाएगा। पहले ब्रज में जो वृक्ष थे कदम थे कदम के, उन पे जो पत्ते आते थे दोना टाइप आते थे दोना, जिसको कहते हैं कदम दोना। तो इधर से जब ग्वाल बाल पत्ता तोड़ने गए हैं, गोपियां पहले से सावधान है, एक एक चार चार गोपियों ने एक एक गोप को बांध लिया, पकड़ लिया और उनकी चोटी पेड़ से बांध दी। इधर भगवान कृष्ण की लसा विशाखा ने चोटी बांध दी पेड़ से, और जो गोपी आ रही है वही गुलका दे रही है, जो आ रही है वही गुलका दे रही है। सब ग्वाल बालों के जो गुलाबी जो काले कपोल थे वो गुलाबी हो गए, आंखों से आंसू झर रहे हैं। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं गोपाल गोपाल, मैं कहा है मैं सारे ब्रज की गोपिन को चोर चोर दर्दमान खन खाओ, हमारी चोटी बांधनी है हमको बचा। तो भगवान कह रहे हैं अरे सारे तुम्हारी का चले मेरी मंजी पड़ी है, तुम्हारी का चले मेरी मंजी पड़ी है, तो ये वो भूमि है जहाँ में भगवान श्याम सुंदर पुटरो है। क्यों पुटरो है? प्रेम से कि उदव सुदव है, सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजावे डुगडुगी और प्रेम बजावे ढोल। तो ढोल के सामने डुगडुगी नहीं सुनी जाती है, तो ये प्रेम भूमि है। आप आते हो बड़ा सुंदर है, राधा रानी की कृपा है आपके ऊपर, गुरु लोगों की कृपा है जो आपको यहाँ की परिक्रमा कराते हैं, हजारों आते सीधा दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन ये निकुंज स्थली नित्य लीला स्थली है। यहाँ पे वही आता है जिस पे किशोरी जी कृपा करें, और बिना कृपा के यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। वो राधा रानी की, हमको तो इतना ही आपको यहाँ का समझाना था, आपको आया होगा अच्छा लगा होगा तो मानो। वो राधा रानी की, हरे कृष्णा। हाँ और दो मिनट सुन लो। ओम अज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी अभी थोड़ी देरी बाद में पैसा देना, थोड़ी देरी बाद बाबा वहीं खड़े हो जाओ, कथा के बाद में पैसा ले लेना, अभी थोड़ी देरी बाद। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जिस स्थान पर आए हैं, ये स्थान का नाम बरसाना है। बरसाना मतलब क्या है? यहाँ पर राधा रानी की प्रेम की बारिश होती है, जिस बारिश से कृष्ण चंद्र जो पूर्ण ब्रह्म स्वयं कितना प्रेम नदिया की सदा उल्टी वह धार के बाप पावे वाके पार। जहाँ स्वयं परात पर परम ब्रह्म होते हुए भी जहाँ पर राधा रानी की प्रेम रूपी बरसात में स्वयं कृष्ण भीग जाते हैं। आते समय हमने जो गली देख रखे आए हैं वो गली का नाम था रंगली गली। रंगली गली मतलब क्या? जहाँ पर कृष्ण अभी गा रहे थे ना, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी होरी रे। कहते क्या होरी रसिया क्या है? कहते जो गुलाल का जो रंग है वो लाल रंग है, गुलाबी रंग है, मतलब कृष्ण
अपना अनुराग को जो रंग वो अनुराग का प्रतीक है, इसलिए मानो राधा रानी अपना अनुराग रूपी रंग से कृष्ण को भिगा देती हैं, कृष्ण अपना अनुराग रंग से श्री किशोर जी को भिगा देती हैं, इसलिए रंगली गली है। इसलिए यहाँ पर अभी आप श्रवण कर रहे थे, आप जिधर बैठे हो पर्वत का नाम ये ब्रह्माचल पर्वत है, ये ब्रह्मा स्वयं ये पर्वत रूप में प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं उन्होंने 60,000 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की। बोले क्यों, जब नारद जी ने पूछा पिताजी आप ये गोपियों को प्रेम को पाने के लिए ये 60,000 साल आपने तपस्या क्यों की, स्वयं ब्रह्मा जी कहते बोले बेटा ये जो गोपियां है ना ये कोई साधारण लड़की नहीं, कहते ये आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाधीर एव निज रूप कलातया भी, ये किशोरी राधा जी की एक एक भाव ही ये एक एक गोपी रूप में प्रकट हुई है, ये कोई लड़कियां नहीं है, ये आनंद चिन्मय रस की ये प्रतिभाविताए मूर्ति है, इसलिए ब्रह्मा स्वयं ये पर्वत रूप में प्रकट हुए, क्योंकि मेरे ऊपर में श्री किशोर जी की लीला हो और उनके चरण धूलि से मेरे जीवन धन्य हो जाए। इसलिए भागवत में भी ब्रह्मा जी जब उन्होंने ग्वाल बालों को चोरी की, जब पता चला कृष्ण कौन है, ये स्वयं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, जब उनको पता चला, ब्रह्मा जी को भगवान कहते ब्रह्मा जी क्या चाहते हो, क्या यहाँ कोई सखा सखी बनना चाहते हो, बोले नहीं नहीं हम सखा सखी बनने का लायक ही नहीं, बोले यहाँ पर कोई पशुपक्षी बनना चाहते, बोले नहीं नहीं हम पशुपक्षी भी नहीं बन सकते, बोले कीड़े मकोड़े, बोले नहीं नहीं प्रभु बन नहीं सकता हूँ, पर क्या चाहते हो, देखो ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले तद भूरि भाग्यम यह जन्म किम अटभ्याम जत गोकुल कथमांग्री रजोभिषेकम, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति कहते प्रभु अगर ब्रज वृंदावन के बाहर में जो छोटे जाति के लोग रहते हैं अगर उनको घर को सामने मेरा पत्थर रूप में जन्म हो जाए, अगर मेरे को पत्थर मान कर मेरे सर के ऊपर में अपना चरण रगड़े, अगर उनकी अगर चरण धूलि मिल जाए तो मैं अपना जीवन को धन्य मानूंगा। कृष्ण ने कहा ब्रह्मा जी आप पितामह ब्रह्मा हो, जगत को सृष्टि करने वाले, और कहां छोटे जातियों का चरण की धूल बनना चाहते हो, ब्रह्मा जी कहते जत मुकुंदम, जानते हो इनका जीवन क्या है, बोले कृष्ण का एक नाम मुकुंद, मुकुंद मतलब क्या है, बोले मुक्ति सुखम कृत्या प्रेमानंदम ददाती है, जो मुक्ति सुख जो तुच्छ करके जो प्रेमानंद को प्रदान करते हैं, और कुंद पुष्प कुंद फूल जैसे उनका हसी है, मतलब कृष्ण का हसी ही ये ब्रजवासियों का प्राण है। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं हमने इतने सौभाग्य नहीं किया, ये जो छोटे जाति की चरण धूलि भी पाना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए ब्रह्मा जी इन्होंने ये ब्रह्माचल पर्वत रूप में प्रकट हुए, प्रकट होकर के यहाँ तपस्या कर रहे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने देखा, शास्त्र में बताया संप्रदाय विहीनाज मंत्रास्ते विफला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय न, संप्रदाय विहीन जो मंत्र वो निष्फल है, इसलिए कोई एक वैष्णव संप्रदाय में अंतर्भुक्त हो करके ही मंत्र ग्रहण करनी चाहिए। महाप्रभु स्वयं जगत गुरु है, हैं साधु पावा बड़ा जीव कष्ट जीवेर जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आईला नदिया, कृष्ण स्वयं एक साधु का आदर्श रूप धारण करते हुए जगत को सुख्या देने के लिए आए। इसलिए महाप्रभु को देखा मेरे को भी कोई एक संप्रदाय ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भ्रमण करते करते उन्होंने हमारी संप्रदाय का नाम किया है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। बोले क्यों, उन्होंने ब्रह्म माधव गौड़ीय और भी तो संप्रदाय था, लेकिन उन्होंने श्रीमन महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके वो जो अनर्पित चरिंचिरात प्रेम वो जो भक्ति को प्रदान करते हैं देखा, ये संप्रदाय में उसका चिन्ह है। पहला चिन्ह देखा इनकी संप्रदाय में जो गोपाल जो है दधि मंथन गोपाल को उन्होंने देखा, हाँ दंड धारण करते हुए रसी धारण करते हुए ब्रज गोपाल को देखा, देखा एक ब्रज गोपाल। फिर इनकी संप्रदाय में 8 सन्यासी हैं, जो 8 सन्यासी ये गोपी मंत्र को द्वारा उपासना करते हैं, और उन्हें तीसरा चीज को देखा ये ब्रह्मा स्वयं यहाँ पर ब्रह्माचल पर्वत बन करके श्री किशोर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं ये पर्वत रूप धारण किए। इसलिए श्रीमन महाप्रभु देखा
ब्रज भाव ये ब्रह्मा जी के अंदर में ये ब्रज भाव है, इसलिए उन्होंने ये संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया। ब्रह्मा तो रूप धारण किया, हम जिधर बैठे ये पर्वत का नाम कहते विष्णु पर्वत, बोले ये विष्णु क्यों यहाँ पर पर्वत बने, इसलिए ये अनंत संहिता में ये कथा दी है। बोले एक समय श्री अनंत देव ये विष्णु को महाविष्णु को पास में गए, बोले मैं आपका आशीर्वाद से मैंने ये सारे धाम को मैंने परिक्रमा किया, दर्शन किया, लेकिन अभी तक श्री ब्रज धाम में मैं प्रवेश नहीं कर पाया। तब श्री महाविष्णु कहते हैं बोले तुम्हारी बात छोड़ दो, मैं स्वयं महाविष्णु कारंद गोसाई विष्णु खिरोद साई विष्णु, हम भी अभी तक ये ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाए, हमारा भी प्रवेश नहीं हुआ। इसलिए जो ब्रज भक्ति इतने आसानी नहीं, जहाँ पर उद्धव स्वयं यहाँ के गुल्म लता औषधि वृक्ष के रूप में प्रार्थना करते हैं, शंकर स्वयं गोपी बन करके आते हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी कठोर तपस्या कर रही हैं, जहाँ पर नारद जी भी ये ब्रजवास प्राप्त करने के लिए वो भी कठोर तपस्या कर रहे हैं। भैया ये ब्रज भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, यहाँ प्रवेश करना इतने आसानी बात नहीं। इसलिए बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदार विंदम, श्री किशोर जी का जो चरण है ब्रह्मा ईश्वर नारद इनके लिए भी दुर्लभ, बोले इनकी बात छोड़ दो, श्री किशोर जी के चरण तो ब्रह्मेश्वरादि आदि ईश्वर कृष्ण के लिए भी कभी कभी किशोर जी के चरण दुर्लभ हो जाता है। अगर राधा रानी दुर्जय मान कर लेना, श्री श्याम सुंदर को भी बड़े नाक रगड़ना पड़ता है। अभी अभी सुन रहे थे ना है? कैसे इनके भी छक्का छुड़ा दिए गोपी, और इनके भी कैसे गोपी और चुंदरी बना करके सर पर मटकी रख करके इनको भी दूध दही से गुलचा मार कर इनका मुंह भी फुला दिए। इसलिए कृष्ण के लिए भी ये ब्रज भक्ति कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है, वो आसानी ये ब्रज भक्ति नहीं। तब श्री प्रश्न करते हैं अनंत देव, फिर ब्रज भक्ति मिलेगा नहीं, बोले मिल सकता है। बोले एक उपाय, बोले क्या उपाय है, बोले जब तक ये ब्रज गोपियों का कोई चरण में आश्रय नहीं लेता है, भैया ये ब्रज भक्ति मिलने वाले नहीं, लेकिन ये ब्रज गोपियों की भक्ति भी कोई आसानी वस्तु नहीं। बोले फिर दुर्लभ है, फिर मिलेगा नहीं, बोले हाँ मिलने का और एक उपाय है। अभी उसी प्रेम को देने के लिए अभी कृष्णचंद्र स्वयं राधा रानी की अंग कांति और ये भाव को लेकर के अभी श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके अभी प्रकट हुए हैं, इसलिए उसी प्रेम को देने के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिसके लिए श्री स्वरूप दामोदर कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रस्मात देकात्मना भूवि पुर देह भेदो गतौ तो चैतन्याख्य प्रकट मधुना तद्वयम चैकमाप्तम राधा भाव दुति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण स्वयं नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं। सबसे सरल उपाय है, अगर कोई नवद्वीप धाम में जाए अकेले नहीं, अकेले नहीं कैसे जानी चाहिए, कहते गौर मार्ज सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हरि बामी प्रणय भकत सांगे सोत भकत चरण रेणु भजन आनो कुम्हार। एक उपाय है, श्रीमन महाप्रभु का जो भक्ति रस में जो डूबे हुए हैं, महाप्रभु का जो भक्त हैं, इसलिए जाओ भागवत सुना वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग तबे तो बुझीवे तुम्हें सिद्धांत तरंग। अगर भक्ति रस में गोता लगाना चाहते हो, महाप्रभु के अनुजाई जो भक्त हैं, इनकी अनुगत्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा करना पड़ेगा, और जहाँ पर महाप्रभु लीला की बैठ करके वहां पर धूल धूल में लौट पोट खाना पड़ेगा। अगर ये कोई नवद्वीप धाम में जाए और वहां परिक्रमा करे तो बस। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरव प्रेम रसार नवे से तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर गौरव प्रेम रसार नवे से तरंग जेवा डूबे, महाप्रभु का भक्ति रस समुद्र में जो गोता लगाते हैं वो क्या होता है, से राधा माधव अंतरंग। इसलिए गुरुदेव उदाहरण देते हैं, अगर कोई निर्दया घाट में कोई अगर वहाँ गोता लगाए ना, कहाँ निकलेगा, केसी घाट में, केसी घाट में वो प्रकट होगा। इसलिए ये महाविष्णु श्री अनंत देव को ये बात कहते हैं, इसलिए
आप लोग सबके सब नवद्वीप के पहले से टिकट कटा लो। अभी प्लेन का अगर टिकट कटा लोगे ना बहुत कम पैसा में जाने आने का 4,000 रुपया में हो जाएगी है, इसलिए अभी से टिकट कटवा लो, क्योंकि ये स्वयं महाविष्णु स्वयं ये बात को कहा करते हैं। इसलिए इसी ब्रज भक्ति प्राप्त लोभ से यहाँ पर जो पर्वत है, हाँ ये जो काले पर्वत है ये स्वयं विष्णु पर्वत है। देखो ये ब्रज भक्ति की कितने दुर्लभता, पितामह ब्रह्मा स्वयं महाविष्णु भी श्री किशोर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पर्वत रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। ये भी यहीं पर किशोर जी की चरण को नीचे यहीं भी ये तपस्या कर रहे हैं। और ये जो जंगल का नाम है इसका नाम गौहर वन, बोले इसका नाम गौहर वन क्यों नाम पड़ा, बोले कारण क्या है, बोले राधिका भाव गंभीर जेबा बुझे महाधीर। इसलिए जो राधा रानी का जो भाव है ये बड़ा गंभीर है, इसलिए अगर कभी श्याम सुंदर भी अगर कभी बरसाने में आते हैं वो अपना डायरेक्ट रूप में कृष्ण रूप में नहीं आते हैं, कैसे, कभी मालिहारिणी कभी पालिहारिणी कभी श्यामा सखी रूप में कृष्ण को भी अगर यहाँ आना पड़ा तो वो भी डायरेक्ट रूप में अपना रूप में नहीं आ सकते हैं श्री किशोर जी को पास में। अलग अलग रूप बदला करके कृष्ण स्वयं यहाँ पर अलग अलग रूप बदला करके आकर के श्री राधा रानी की चरण की सेवा, उनकी शरीर का श्रृंगार श्याम सुंदर स्वयं करते हैं, इतने दुर्लभ ये भक्ति है। इसलिए हम लोग श्री किशोर जी की चरण में आए, अब लोग जो श्रवण कर रहे थे ये दोनों पर्वत के बीच में जो रास्ता है इसका नाम साकरी खोर। साकरी खोर मतलब क्या, खोर मतलब होता है पतली, साकरी मतलब संकीर्ण। अब लोग जब चलोगे ना देखना एक व्यक्ति छोड़ करके दूसरे व्यक्ति जा ही नहीं सकती हो, वो बाबा बता रहे थे ना प्रेम गली अति साकरी ताहे न दो समाए। इसलिए जो प्रेम की जो गली बड़ी पतली है उसमें दो व्यक्ति नहीं जा सकते हैं, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। सब कुछ तुमको मेरे लिए करना पड़ेगा, दो मन होने से नहीं होगा, एक मन से। इसलिए सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ करके किसको चरण में, कृष्ण चरण में नहीं श्री किशोर जी के चरण में शरणागत होना पड़ेगा। ये मंजरियों की आनुगत्य में श्री किशोर जी के चरण में शरण लेना पड़ेगा, तभी वो प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए यहीं पर कभी कृष्ण लूट करके खाए गोपियों की, बोले ऐसे क्या, राधा रानी के पास में शिकायत कर दी गोपी, आज कृष्ण लूट पाट करके सारे दूध दही खा लिए, बोले हमारे राज्य में आकर के अपना अधिकार दिखाते हैं, कल उसको मजा चखाएंगे, बोले जाओ सबके सब झाड़ियों में छुप जाओ, कल खा कर गया ना उसको मुंह में लगा हुआ होगा, फिर जब आएगा ना मजे चखाएंगे। जब कृष्ण फिर आए वो गोपी ने हुईसली बजाई और चारों तरफ में जैसे पुलिस होते हैं घेर जाते हैं, यहाँ पर कृष्ण को सबके सब घेर गए। और घेर करके क्या किया, किसका चोटी पेड़ में बांध दिया, किसका हाथ भी बांध दिए। और कृष्ण बोले बताओ तुम लोगों ने क्यों की, बोले भैया हमारा लीडर तो कृष्ण है, हम कुछ नहीं जानते, ये लीडर बोले ये है, उसका कृष्ण को लहंगा चुंदर यहीं पर पहना दिया, पहना करके कृष्ण का सर के ऊपर में मटकी रख करके एक रानी की, इसलिए ये पर्वत के ऊपर में गए और उन्होंने एक पत्थर लेकर के मारे मटकी में, मटकी में मारे तो मटकी फूट गई और कृष्ण पूरा दूध दही से उन्होंने स्नान कर लिया। दूध दही से नहीं, श्री किशोर जी के प्रेम में श्री श्याम सुंदर भी यहाँ पर स्नान तो हो गए, मतलब ये स्थान की इतने महत्व। इसलिए हम श्री किशोर जी से प्रार्थना करते हे राधे, हमारे नाम भी रजिस्टर का लास्ट में गुरुदेव कहते थे, आपका रजिस्टर में जो सखियों का नाम मंजीरे का लास्ट है, हमारी नाम भी वहां पर आप कृपा करके हमारी नाम भी वहां पर लिख दो, एक दिन तुम्हारी गण में गणित हो करके हम आपकी चरण की हमें सेवा प्राप्त हो। वंशा कल्प दुर्भस कृपा सिंधु भय बच पतितानंग पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानंद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदी। थाको इधर बैठे हैं।
चलो रे मैं पहन के आ गई, उतारनी भिड़ गई, चल जल्दी में भाग गई पहन के, कोई बात नहीं, गाड़ी उतारूंगी, हमारी गाड़ी अभी आई हुई है ना, शुरू कर बस में उतार के फिर पहन आ रहे होंगे, भैया होंगे ही आ गए होंगे, बहुत मार रहा था ये। हरी बोल हरे कृष्णा। अभी आप सब लोग जो हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं मोर कुटी, कृपया बने रहिए, आपको दर्शन कराएंगे अभी जल्दी मोर कुटी का, सांकरी खोर का। जय हो रानी की जय। अभी महाराज जी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे भरत की छोरी की बरसाना के छोरी से तुम भरत की छोरी बनी, बड़ों की छोरी बरसाना की छोरी बन है, बी फॉर बड़ा बी फॉर बरसाना महाराज जी। अरे भरत मैंने बढ़ते रहते हुए तुम अभी बाहर के ऊपर चढ़ जाओ, आराम से लगाएंगे, बहुत भीड़ है, अरे भाई कितने बाट जाओ, पहले हट जाओ, चलते रहो धीरे धीरे। ओ माता जी चलेंगे पर नीचे चलेंगे आगे चलो ना, हाँ हाँ मुझे देखना पतले रास्ते को तो जाना ही है, रास्ते को पहले नो निकल जाने दो, अभी 2 गज की दूरी कहाँ चली गई प्रभु जी, आप बताइए थोड़ा हाई कथा सुना दो, लाइव चल रहा है प्रभु जी, ये दे मार दो राम, चलो 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 प्रभु जी थोड़ा सा बता दो, सब महाराज लोग सब प्रभु लोग बोलते हैं, आप बोल नहीं रहे, आप इतनी अच्छी हरकत बोलते हो ये तो ऊपर से भाग जाएंगे हम, नीचे वाले रहेंगे, ऊपर जा रही है क्या, नीचे से नीचे से जाना, जहाँ तो नीचे से तो ऊपर वाले पीछे से आगे देखो कितने आगे भागे पीछे वाले, हम पीछे रह गए कोई बात नहीं, आराम से तो चले जाएंगे, ये ऊपर ऊपर से जाएंगे भटकेंगे। अरे डरने लग रहा था,
अगर बहुत बिजली वाले को बोला तो कोई एक्सपीरियंस करने को बोलना करता है काम जो उतारने को कहे उससे नहीं करवा बता दे बहुत लफड़ा रहता है तो नहीं लगे लगे क्या है ना फिर वो भी वाली है अगर पिछले वाली है लगे लगे चल जाए खुल जाएगा अगर वो वाली आपकी गोल वाली हुई फिर तो कितने का लाट है 15 लीटर का है 6 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
नहीं सांतरी गली में दे सकते हैं ऊपर, वहाँ जो महल में हम जाएंगे ना वहाँ के पंडों को नहीं देना मुकुंद। अरे तुम वहीं रह रहे हो ना, बोले कितनी सी गली कैसे करोगे, जरा सी गली वाली गली है, अगर जल्दी जाना तो पस करना पड़ेगा। तो भैया बहुत देर लगेगी खड़े होने में, इधर से नहीं आना है, थोड़ा नीचे पिछली बार बहुत बोला था वो पंडित, काम देके सकरी गली से ये भगवान की साकरी गली आखरी ना करी जंगन डाल लिया ठारी रहनी बाल्टी दे जा मेरा काम। ये लोगों ने रखा है मुझे ऊपर देंगे ये लोग का नहीं है, एक ही बात है ना गुरुदेव ने तीन बार काम को छोड़ जाए भगवान नहीं आ गए सम्मान जाना सावन के जाना राधा रानी से मिल के जाना, राधा रानी को माखन मछली खिला के जाना भगवान कृष्ण को। अरे आओ के ठाकुर जी स्वयं निकला गया तो दो काम से बना दे, मचल गया है निकला नहीं है मचल गया है, लोगों ने रूल फॉलो किया नहीं है क्या करें। गोवर्धन आगे आरती कथा हमारी निकल जाएगी, ऐसे नहीं जाएंगे प्रभु जी, प्रभु जी लाएंगे प्रभु जी रहते हैं ऐसा लाते हुए बनवारी सेनानिया प्रभु जी रहते हैं उधर। बोलो राधा रानी की, अब राजन में आयो एक चरणों में नारायण बाबा आए, नारायण बाबा
नारायण बाबा ऊपर आपकी यात्रा को सपोर्ट करें। बनवारी सनानिया है ना, कलकत्ते वाला होंगे। सांवरे से धोती कुर्ता पहनते हैं। खुले हाथ कपड़े निकलवा दो भाई, चलो जल्दी जल्दी आराम से। हम तो बाजार की देता आप ऊपर से जाओ फिर, ये ऊपर से इतने इतने ऊपर से जाओ। अब 2000 वाला कोई तुम में काम आएगा, आगे चढ़ाने के लिए काम आएगा। 2000 कौन देगा बताओ हमको, घर चले जाते हैं। पचास ले ले, माइक दे रही है दान खुला हुआ। नहीं नहीं आगे नहीं नहीं पैसा दे रहे हैं ना, सब लेने। क्या कह रही है, फिर ये वो अरे चल रहा है कंटिन्यू, आगे फिर करना पड़ेगा। बाहर तो चले तो दस के भैया, धीरे धीरे चलते रहो आराम से। बहुत स्लो है, बरसाने में नाचने में ये बम्बई कलकत्ता दिल्ली सवराई चले, बरसाने जाके पंजाब में खूब चले भैया। अभी मोरकुटी पे भी कीर्तन हो रहा होगा ना, अभी चल रहा है। मांगे से कम तो नहीं खर्च कर।